पिछले 5 साल में सबसे कॉमन इमरजेंसी जो हुआ है बच्चों में वो है बच्चा बुरी तरह रोना, एक्सेसिव क्राइंग, इट इज नंबर वन इमरजेंसी। व्हाट यू नीड टू डू इज, पहली चीज पॉइंट नंबर वन, वट एवर बी द रीजन, गोदी में लेना और चुप करना, ठीक है। नेवर अलाउ द बेबी टू क्राई, वट एवर मे बी द कॉज ऑफ द डिसीज, वट एवर मे बी द रीजन द बेबी इज क्राइंग, नेवर अलाउ द बेबी टू क्राई। अब क्या है कि ये दादी लोग होते हैं सबसे खतरनाक बच्चों के, कौन होते हैं दादी लोग, ये दादी लोग क्या बोलते हैं ना, बच्चे को गोदी में लेंगे तो गोदी का आदत पड़ जाएगा। ऐसे कोई भी 25 साल का बच्चा देखा हुआ है गोदी में बैठे हुए, कोई भी बच्चा 25 साल का बच्चा देखा हुआ है गोदी में बैठे हुए, गोदी का आदत किसी को नहीं होती, गोदी बच्चे का हक होता है, बच्चे को गोदी में रखना ही रखना है। पहले चुप करना है, घुटने से इसे बेंड करके चुप करना है, लेके सैर करके पेट को पेट के साथ लगा के एक हाथ हिप्स में रख के बच्चे को चुप करवा के लेके सैर करना है। तो बेबी विल गिव यू 2 मिनट्स, थोड़ा सा चुप हो जाएगा, तो उस टाइम पे चेक करना है। पहले क्या देखेंगे कि बच्चे ने पोटी तो नहीं किया, फिर से डायपर देखेंगे कि गीला तो नहीं है, बच्चे गीला तो नहीं है, पोटी किया है, फिर हिप्सी देखेंगे, फिर नाक में सुनेंगे कि खड़खड़ तो नहीं है, ठीक है, फिर पेट को पकड़ के देखेंगे पेट टाइट तो नहीं है मेरे बच्चे का, ठीक है। लेके सैर करने के साथ साथ ऐसे मसाज करेंगे, दोनों टांगे को पकड़ के साइकिलिंग करेंगे, फिर देखेंगे अगर आपको नोज से खड़खड़ आ रहे, अगर बच्चे के नाक से खड़खड़ आ रहे, ये सब करने के बाद भी आपको 3 चीज़ें करना ज़रूरी है। मैकेनिकल मेथड्स जो हैं वो सब करने के बाद इतना नीचे करके 4 बूंद इधर 4 बूंद इधर नोज में ड्रॉप्स डालना, 20 सेकेंड उस पोजीशन में रखना, उससे नाक बहुत खुल जाता है, उसके बाद भी नहीं खुलते तो इसी नोज में स्ट्रॉन्ग नोज ड्रॉप्स डाल देना, ओट्रिविन आ जाते हैं, साइलोमेटोसोडिन ऑक्सीमेटोसोडिन को स्ट्रॉन्ग नोज ड्रॉप्स आते हैं, ओट्रिनोस ओट्रिविन करके पीडियाट्रिक ड्रॉप्स आते हैं, उसके एक एक बूंद डाल देना उसी पोजीशन में सिर नीचे करके, तो इधर जो ब्लॉक हो जाते इमिडिएटली खुलेगा। ये इमरजेंसी मेडिसिन है। चलो मान लो उसी से नहीं खुला तो आप एक पैरासीटामोल का ड्रॉप्स दे दो बच्चे को। मान लो छोटे बच्चे यूजुअली 5 किलो को हो जाते हैं, 0.5 ml पैरासीटामोल ड्रॉप्स, कहीं पे भी पेन हो गया, मान लो बच्चे को कभी टाइट कपड़ा पा लिया सिर दर्द हो गया, कभी ज़्यादा कपड़ा पा लिया सिर दर्द हो गया, तो पैरासीटामोल से वो कम हो जाएगा। फिर कपड़ा खोल के देखो ज़्यादा पसीना तो नहीं आ रहे, पसीना आ रहे कपड़ा कम कर दो, ठीक है। मोस्टली इसके बाद जैसे बच्चा शांत हो जाता है, गैस लूज निकल दिया, थोड़ा फीड करके देखो, बच्चा फीड कर रहे, बच्चा अच्छे से सुसुपोटी कर रहे, बच्चा इज नॉट सीरियस, ये गारंटी है, ये तो गारंटी है। जो सीरियस वाला बच्चा जिसका मान लो दिमाग में कुछ इन्फेक्शन चढ़ गया, वो बच्चा फीड बिल्कुल नहीं लेंगे, ओके, ठीक है। मान लो नोस के अंदर से कान का कनेक्शन आपने ओट्रिविन या ओट्रिनोस डाल के खोल दिया, सलाइन से खुल जाएगा, सलाइन से नहीं खुलते हैं तो ओट्रिविन या ओट्रिनोस डाल के खोल दिया, उसके बाद भी बच्चा रो रहे तो शायद एक इन्फेक्शन कान में हो गया होगा, तो उसके लिए फिलहाल के लिए आप पैरासीटामोल वगैरह दे के फिर सुबह डॉक्टर से मिलना। तो अगर इस सब चीज को क्यों बच्चे लोग गुस्सा होकर रोता है उसका अगर देखेंगे, मोस्ट कॉमन कारण फूक लग रहे, सेकंड फूक लगने के साथ साथ रोएंगे तो गैस चले जाता है, हर सेकंड जो बच्चा रोता है उतना सेकंड गैस जा रहे, फिर उतना सेकंड इसको लेके सहर करके गैस को निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो ना बच्चे, समझ रहे हो ना। तो जैसे गैस निकालने के बाद भी अगर बच्चा रो रहे कारण है इधर ब्लॉक हो रहा होगा,
या नीचे कुछ गीला हो गया होगा, ये सारे चेक करना है कि पसीना आ रहा है, कपड़ा ज्यादा तो नहीं है, ये सारे चेक करने के बाद भी रो रहे हैं तो नाक में सलाइन वाला ड्रॉप्स डाल के देखो, उससे भी ठीक नहीं हो रहे तो स्ट्रॉन्ग वाला ओट्रिनोस वाले ओट्रिविन वाले पीडियाट्रिक ड्रॉप्स डाल के देखो, उससे भी ठीक नहीं हो रहा थोड़ा सा पैरासिटामोल देख के देखो। तीन मेन अगर बोलेंगे गैस, नोस और सिर दर्द, ये तीनों का चीज़ें होते हैं। इसके लिए एक कोलिकेड आता है या मसाज वगैरह करके गैस निकालो, सेयर करके निकालो, ठीक है, नास में नोस के अंदर वो सलाइन डालो या ओट्रिनोस डाल के निकालो, ठीक है, या पैरासिटामोल दे दो, या तीनों इकट्ठा करो, कुछ नहीं समझ आ रहे, पीछे का गैस सब कुछ निकाले, कोलिकेड दे दिए, नाक में भी ड्रॉप्स डाले, पैरासिटामोल भी दे दिया, तीनों में से 100% कुछ ना कुछ इफेक्ट करेंगे, बच्चा फिलहाल के लिए चुप हो जाएगा। तब तक कोई ना कोई बंदे को पकड़ो, उसको बोलो बच्चे को लेके सैर करने को, जो जो जितने घंटे बच्चा रोया था उतने घंटे इनको लेके सैर करके जैसे तैसे इनका गैस निकालना जरूरी है। जैसे गैस निकल जाता है बच्चा फिर से खुश हो जाता है। समझ रहे हो ना बच्चे, गुस्सा नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, रोना नहीं, तुम रो रो के गैस कर देते हो, गैस करने के बाद सबका बैंड बजा देते हो, ठीक है, टेक केयर, हैव अ गुड डे।